गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, विश्वास बहाली, विश्वास का निर्माण, किसी व्यवस्था को चलाने के लिए मजबूत और सुंदर बनाने के लिए और टिकाऊ बनाने के लिए लंबे समय तक ताकि वो चल सके, जरूरी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। यूएनओ बार बार जारी करता रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक अलग अलग प्रकार के आंकड़े, गरीबी के आंकड़े, पर कैपिटा इनकम के आंकड़े, सेहत के आंकड़े, शिक्षा और यहां तक कि मानवाधिकार जैसे सूचकांक भी तय किए जाते हैं अलग अलग ग्लोबल एजेंसियों द्वारा। एक और शोध पत्र पेश किया जाए विश्व के सामने कि नकली का जमावड़ा कहाँ ज़्यादा है, नकली नियुक्तियाँ, नकली उत्पाद, नकली घी, नकली प्रेस, नकली पत्रकारिता, नकली नेता, लोग ड्रें, नकली प्रशासक, नकली न्यायाधीश, वेदना और दुख से भरी परिवादी को जहां न्याय नहीं मिले, जिसकी बात सुनने का साहस शासन प्रशासन न्यायपालिका नहीं करे, नकली नोटों का जमावड़ा जब मुद्रा खोखली हो जाती है, ये भी रैंकिंग की जानी चाहिए। फेकनेस कहाँ ज़्यादा है, ये फर्जीवाड़ा किस देश में और किस रैंक के साथ है, पाकिस्तान का स्थान क्या है, भारत का क्या है, चीन का क्या है, रूस का क्या है, अमेरिका क्या, फ्रांस का क्या है, अरब कंट्रीज़ का क्या है और यूरोप की कंट्रीज़ का क्या है। आम जनता कोहराम मचाती है, सिर्फ दुख जताने के सिवाय, कराने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता। लोकतांत्रिक देशों में शासन प्रणालियाँ बदली जाती हैं, शासन राजनीतिक दलों के बदले जाते हैं, परंतु व्यवस्था तो वापस मुड़कर देखते हैं वहीं खड़ी मिलती है। न्यायपालिकाएं भी अपनी व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि क्या ठीक से चला पा रही हैं, किस तरह मामलों, किस तरह निर्णय दे पा रही हैं और चुस्त हैं या सुस्त। इसके लिए प्रेस को कहूँगा, प्रेस का काम शासन प्रशासन की खामियों को उजागर करना होता था, प्रेस नकली बड़बों को भर दिया गया जो विदेशी यात्राओं के लालच में, दूसरे प्रकार के लालच में शासन से कुछ प्राप्त करने के लिए उनके लिए लिखना शुरू कर दिया, उजागर करने के स्थान पर उनकी बुराइयों को दबाने का काम शुरू कर दिया गया, उनके पक्ष में वकालत और शुरू कर दी गई। हर देश में स्वतंत्र पत्रकारिता का विकास हो, सभ्य दमदार और वीर और साहसी पत्रकारों से मैं कहूँगा कि वह जनता की आवाज़ को मुखर करें। उनके परिवारों को मौत का मातम देखना पड़ सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पत्रकार भी सैनिक की तरह साहसी होना चाहिए, सैनिक राष्ट्र के लिए अपने जीवन को दफन कर देता है, हिचक नहीं रखता, सेना किसी भी देश की हो, कहते सैन्य नियुक्तियों सबसे बड़ा आधार वफादारी को माना जाता है, आंका जाता है। उस तरह पत्रकार भी समाज की भलाई और शासन की बुराई को, दोनों को, बुराई को ख़त्म करने के लिए और समाज की भलाई को प्रवृत्त करने के लिए
दफन करने को तैयार है। सजावटी और फूलदार पत्रकारों का पतन हो, पत्रकार का पेशा से उनकी जो संपादन है, उनकी चैनल, उनका श्रोतागण बहिष्कार करें। सामूहिक प्रार्थना विश्व बिरादरी से हम ये भी करेंगे, सच्चे और साहसी पत्रकारों का साथ दें, उनकी बातों को सुने, भागते तरफ न बढ़ें। तो आज ये मैं साझा प्रार्थना की मैंने ग्लोबल कम्युनिटी से और दूसरी वैश्विक बिरादरी की जो संस्थाएं उनसे, कि विश्वास बहाली दिशा में आगे बढ़ें और जहां भी ये नकली रैंकिंग है उसको भी जारी करें, कौन देश कहाँ खड़ा था कि लोगों को पता लग सके और अपना सुधार की तरफ भी लोग बाध्य हों अपना रैंक देखकर। धन्यवाद।